Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है. आइए दोस्तों, इस ऑफिस को बड़ा मिस करेंगे हम. सच बोल रहे हैं. तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया. बात यह है कि हम हमारे न्यू ऑफिस पर काम कर रहे हैं और अलग कैमरा एंगल्स, बहुत कुछ होने वाला है, तो इसको मिस तो करना बनता है. ये हमने बहुत कांड किए यहाँ पर. इसकी लेजेंडरी शुरुआत यहीं से हुई थी. आइए दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हुआ है, गर्मा गर्म खबरों का सिलसिला चालू है. मैंने कल रात में एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो डाल दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए. Realme GT Neo 3 अनबॉक्सिंग हमने लॉन्च से पहले ही कर दिया है और इस वीक कल परसों तरसों में भी शायद लगातार आपको वीडियोस मिल जाए. अनबॉक्सिंग्स हो रही है, बने रहना, मजा आएगा. लाइक करिए 20-25-30 हज़ार, जितना आपको ठीक लगे. आज देखते 30 हज़ार लाइक्स क्या आप कर सकेंगे. नहीं. जो भी है करके दिखाइए. फटाफट से आज की रेकनेस शुरू करते हैं. पहली खबर की शुरुआत करते हैं ओप्पो से. ओप्पो K10 5G, K10 5G Pro लॉन्च डेट आ गई है. 24 अप्रैल को चाइना में लॉन्च होने वाले हैं और फोटोज भी बाहर आ गए. आप देखेंगे इस तरीके की डिजाइन होगी. K10 Pro 5G में बताया जा रहा है कि AMOLED 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट होगी. Snapdragon 888, 80W फास्ट चार्जिंग, 5000mAh बैटरी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर. और जो K10 5G होगा, Dimensity 8000, 5000mAh बैटरी, 67W चार्जिंग, 120Hz की IPS डिस्प्ले और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह. ये लीक हुआ है. अब बाकी चाइना में तो ऑब्वियसली एग्रेसिव प्राइस रखेंगे. अब इंडिया का पता नहीं कब आएगा और क्या प्राइस पर आएगा. वैसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन फोन से, कमेंट में जरूर बताना. तो हमारे दोस्त आ चुके हैं. देखे बोलते ही और जोश में आ गया. काम चल रहा है. सल्यूट करते हैं मुझे कि मैं इनको झेल रहा हूं. ट्विटर ने दोस्तों, ट्विटर जो है वो कहावत ना दिल पे ले लिया. हाँ, वैसा दिल पे ले लिया. उन्होंने वाकई में इस बात को सीरियसली लिया और वो एडिट बटन पर काम कर रही है. यहां पर एलेक्जेंडर पल्लूजी, उन्होंने ट्वीट करके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर लिए. ये लीक हुआ है. एक ट्वीट को अपडेट करने का मौका दे रहा है. उतना ही नहीं, एडिट का भी ऑप्शन दे रहा है. अब ये नहीं पता कि कितना टाइम लिमिट होगा और कितने वर्ड्स की लिमिट होगी, लेकिन वाकई में ट्विटर इस पर काम कर रहा है. सबसे पहले डेस्कटॉप में होगा, उसके बाद हमें मोबाइल फोन्स में भी देखने को मिलेगा. ये मैं एक्चुअली में जानना चाहूंगा कि भाई ट्विटर कैसे इसको जस्टिफाई करेगा और लोग इसका किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे. फाइनली वीवो X80 सीरीज चाइना के अंदर 25 अप्रैल को लॉन्च हो रही है. इनकी ऑफिशियल पोस्टर्स, फोटोज वगैरह सब कुछ बाहर निकल कर आ चुके हैं और Dimensity 9000 वाली चिपसेट्स होगी ऐसा बताया जा रहा है. वीवो कैमरे में अपनी खुद की V1 वाली चिपसेट इस्तेमाल करेगा, ये भी बताया जा रहा है. और भी बहुत सारी चीज़ें होगी. तो अभी X70 सीरीज आई, अभी X80 सीरीज आ रही है. हर 2-3 महीने में इनके सक्सेसेस आ रहे हैं. पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन एनीवेज 25 अप्रैल चाइना, क्या पता मई जून के आसपास हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाए. फाइनली Xiaomi ने इंडिया में ऑफिशियली कन्फर्म्ड कर दिया है कि वो अपने Mi Pad 5 को लॉन्च करेगा. यस, द मोस्ट अवेटेड Xiaomi टैबलेट 27 अप्रैल, Xiaomi 12 Pro आ रहा है ना, उसी के साथ देखने को मिलेगा. और इसके फोटोज वगैरह भी उन्होंने शेयर कर दिए. और ये जो टैबलेट का मार्केट है बहुत गर्म है. अब इस पर हथौड़ा मारने के लिए Xiaomi यहाँ पर आ रहा है. देखते हैं दोस्तों क्या प्राइस पर होता है, कितना खास होता है. बहुत टाइम बाद आ रहा है, लेकिन 27 को ही इसका पूरा खुलासा हो जाएगा. OnePlus वाले भाई Nord सीरीज में सिर्फ अपने फोन से नहीं बल्कि Nord Buds वगैरह, Nord Watch को भी लेके आ रहे हैं. तो जो Nord Buds है ये अब ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है. इसके पोस्टर्स वगैरह बाहर आ चुके हैं OnePlus Nord Buds करके. और ये OnePlus 10R, Nord C2 Lite वगैरह जो 28 अप्रैल को आ रहा है उसी के साथ हमें देखने को मिलेंगे. थोड़े बहुत फोटोज आप देखेंगे व्हाइट ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल रहा है. ये भी शायद रीब्रांड ही होगा. OnePlus के ही कुछ ईयरबड्स होंगे, उनका रीब्रांड होगा. जैसे कि Realme वाले कर रहे हैं, डीजो को लाए हैं, वैसे ही कुछ मुझे सीन लग रहा है. लेट्स सी 28 अप्रैल आएगा, आपको बताएंगे. वैसे बहुत सारे लॉन्चेस हो रहे हैं, चाइना इंडिया सब मिलाकर बोल रहा हूँ. अभी इंडिया में 22 अप्रैल को सैमसंग अपने गैलेक्सी M53 को लॉन्च कर रहा है. जी हाँ, Dimensity 900 5G चिपसेट होगी, AMOLED 120Hz वाली हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, बढ़िया कैमरा, मतलब 108 मेगापिक्सल कैमरा होगा, ऐसा बताया जा रहा है. और 22 अप्रैल मतलब थोड़े दिनों की बात है और ये हमारे हाथ में होगा. अब मेरे पास अभी तक तो आया नहीं. लेट्स वेट और देखते हैं कि सैमसंग फाइनली इस बार अपने M53 के साथ क्या करता है और क्या प्राइस पर आता है. 22 को ही पता चलेगा. रियलमी की तरफ से आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है.
माधव शेठ का हैशटैग आस्क माधव एपिसोड नंबर 32 था, उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें कंफर्म करी है। पहली सबसे बड़ी चीज, रियलमी GT Neo 3 इंडिया में 29th अप्रैल को आ रहा है, मतलब 28th को OnePlus 10R था तो 29th को रियलमी GT Neo 3 आ रहा है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई Realme का पैड एक जो पैड मिनी है जो अभी 4G वाला मलेशिया में लॉन्च हुआ था वो तो आ ही रहा है, लेकिन Realme का पैड 5G भी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ Realme का एक वायरलेस चार्जिंग वाला फोन भी आने वाला है, अब वो कौन सा होगा पता नहीं। इतना ही नहीं, Realme अपने कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन पर भी काम कर रहा है, क्या पता 6 इंच की डिस्प्ले के साथ आपको एक Realme का फोन मिल जाए। और भी काफी सारी चीजें उन्होंने बताई है, लेट्स वेट। मैं ये देखना चाहता हूं कि 28 तारीख को OnePlus 10R और 29 को Realme GT Neo 3 माया इस बार दोनों को बैठा है। WhatsApp वाले भाई अब एक टॉप लेवल देव मानुष वाला काम करने वाले, जहां पर वो इसके लिए Ray-Ban के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। Ray-Ban आपको पता है ना, उस ग्लासेस वगैरह बनाते हैं जो, अब एक स्मार्ट ग्लासेस होगा Ray-Ban की तरफ से जिसमें WhatsApp का आपको सपोर्ट मिलेगा और Facebook असिस्टेंट के द्वारा ही आप WhatsApp को उसमें इस्तेमाल कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिर्फ ग्लासेस पहन लिया और आप डिक्टेट कर रहे हैं और आपके बिहाफ में आप अपने WhatsApp में दोस्तों को और जिसको मैसेज भेजना है बिना कुछ किए ग्लासेस से मैसेजेस भेज सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इस तरीके का एक टेक्नोलॉजी है जो WhatsApp और Ray-Ban मिलकर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं होगी। गाड़ी चलाते चलाते लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, चलते चलते इस्तेमाल करेंगे, टैंग करके दीवार में घुस गए वैसे भी लोगों का ध्यान अब ऐसे ही रहता है, पूरा दिन नीचे ही रहता है अब ये ग्लासेस आ रहा है, ये तो हमारी आंखें ही छीन लेगा। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, वो आ रही है जियो एयरटेल वोडाफोन की तरफ से, और ये वाकई में एक बैड न्यूज़ है। याद है ना आपको, मैंने पहले बताया था कि जियो एयरटेल वोडाफोन इस साल 2022 से अपने टैरिफ प्लान्स को बढ़ाने वाले हैं, अभी जो रिचार्जेस कर रहे हैं और भी प्राइस बढ़ने वाली है, वो जून 2022 से यहाँ पर स्टार्ट होगा ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि मई का महीना ही एक रहेगा आपके पास जिसमें आप सिर्फ लेजेंडरी डांस खुशी खुशी कर सकेंगे, जून के बाद से आप कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप सबकी प्राइस बढ़ जाएगी, आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा। मतलब ये बोलते ना, दुखती रख पर मार दिया उन्होंने खड़ाक से, क्योंकि अगर हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो धीरे धीरे ये प्राइस बढ़ाएंगे, अब इसके बाद अगले साल क्या पता और प्राइस बढ़े, उसके अगले साल पता क्या बढ़ा क्या पता और प्राइस बढ़ जाए, लेकिन जून 2022 से बोल रहे हैं कि सबकी प्राइस वापस से बढ़ने वाली है। अब वो कितना होगा उसके बारे में तो नहीं पता है। आप बताइए दोस्तों, आप जियो, वोडाफोन, एयरटेल कौन सा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं? मैं करता हूँ वोडाफोन, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसा लग रहा है दोस्तों Xiaomi अपने Android 13 वाले अपडेट को बड़ी ही जल्दी पुश कर सकता है। मुझे इस तरफ से इसलिए देना पड़ा क्योंकि आयजा पूरा रूम में घुस के तहस नहस कर दिए। तो ये एक फोटो यहां पर सामने बाहर आया था, Xiaomi की तरफ से लीक हुआ है। पोको, रेडमी और काफी सारे Xiaomi के फोन्स में हमें Android 13 का अपडेट मिलेगा। अभी कब मिलेगा इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये जो लिस्ट आई है ये काफी सरप्राइजिंग है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं इसमें, चाइनीज, ग्लोबल, मे बी इंडियन भी यहाँ पर आपको शायद दिखाई देंगे, आप अपना फोन ढूंढ सकते हैं। और इससे ये बताया जा रहा है कि MIUI 14 पर शायद Android 13 जो वो बेस्ड होगा हमें कभी भी देखने को मिल सकता है, शायद जून जुलाई के बाद इसके बारे में हमें पता चलेगा। वैसे आप बताइए, आप Xiaomi का फोन यूज कर रहे हैं? तुम Xiaomi का फोन यूज करती हो? झूठ बोलती है, एक ही दे दो। और क्या आपको बताया दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा इकलौता डॉग है, इंग्लिश में डॉग बोलो तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी में बोलो कुत्ता कितना बुरा लगता है ना, छोड़ो। इस डॉग का नाम है बसेंजी डॉग। ये बार्क बार्क ये लोग कर रहे हैं वाकई में, अब देखा जाए पूरा दिन भौंकते रहते हैं। खैर, ये जो बसेंजी डॉग है ये एक ऐसा डॉग है पूरे दुनिया में जो बार्क नहीं करता है, भू 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 नहीं करता है। आज की रेंज से खत्म होते भी करता हूं, आपका आज की रेंज पसंद आएगी पसंद आएगी, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।